हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। एक छोटी सी पंक्ति से स्टार्ट करना चाहूँगा वीडियो को फ्रेंड्स, कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ठीक है ना। पंक्ति में जो लिखता हूँ वो पूरा का पूरा ख़त्म करूँगा, ठीक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की एक छोटी सी पंक्ति है, कविता मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन बहुत ही बड़ी और अच्छी पंक्ति थी। तो पंक्ति को मैं दोहराते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, एयरफोर्स का एक्स एंड वाई ग्रुप का ये बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है सारे के सारे फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि सारे के सारे जितने भी मेरे भाई बंधु हैं सारे के सारे डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो उनके लिए एक मोटिवेशन लेके आ गया हूँ फ्रेंड्स। तो पूरा पूरा मोटिवेशन के तहत ये वीडियो बनाया गया है, तो पूरा पूरा देख लीजिएगा वीडियो कि किस प्रकार आपको सिलेक्शन पाने के लिए बहुत ही मेहनत करना होगा। और देखिए कुछ, देखिए आज से 7 दिन ही बचे हैं, 7 दिन, सिर्फ 7 डे ही आपके पास हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं बताता हूँ उसको अच्छे से कवर करोगे ना, समझ लोगे, तो आपका जो मार्क्स है अच्छे से आ जाएगा एक्स एंड वाई ग्रुप में, ठीक है। तो देखिए समझ लेते हैं क्या क्या आपको निभाना है और किस किस मार्ग पर चलना है। अब पहला पॉइंट है कि फ्रेंड्स, कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना होगा। ये नहीं कि बंदे जो आते हैं एग्ज़ाम देने उनको देख के घबराना है। आप पहले अपनी नाकामियों से हारना या जीतना की जीतने की मतलब कोशिश कीजिए। ये कोशिश कीजिए कि मानता हूँ कि मैं अच्छा नहीं हूँ, फिर भी मैं कर सकता हूँ वो चीज़ जो मेरे हित में है, ठीक है ना। जो मेरे हित में है वो मैं कर सकता हूँ, इसीलिए मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की जागृति आ रही है। मैं जागरूक हूँ उस चीज़ के लिए जो मुझे करने के लिए आगे सक्षम बनाती है, ठीक है। मैं रुकता नहीं हूँ, चलते रहता हूँ और आगे बढ़ना है मुझे, ठीक है ना। इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ऐसा एक पंक्ति है जो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ये बताया गया है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना होगा आपको फ्रेंड्स। ऑन योर एग्जाम डे थिंक लाइक दैट यू आर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम एंड यू आर गोइंग टू फाइट दिस एग्जाम, बी पॉजिटिव। देखिए आप जब एग्जाम देने जाओगे आपको बस एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपका जो एग्ज़ाम, चाहे वो इंग्लिश का हो या मतलब वो आपका अवेयरनेस का हो या जी के जी एस जो भी है, मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, साइंस का हो, जो भी है, तो उसमें आपको अवेयर होना होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव होना होगा। माइंड सेट को आपको इधर से उधर ना करना, हुए टाइम को मेंटेन करते हुए आपको पूरा का पूरा एग्जाम को प्रिपेयर करके जाना है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं फ्रेंड्स, तो जितना भी आपने किए हैं उसके ऊपर आप फोकस करते हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ही अच्छे आ जाएंगे। इसे बोला क्या गया है, आपको एग्ज़ाम के डे में कुछ भी ध्यान नहीं देना है। याद रहे, आप थोड़ा डीमोटिवेट कब होते हो, जब वहाँ पर आप एग्ज़ाम के सेंटर में जाते हो, जब आपका, देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो मैं कुछ देखा हूँ, मैंने भी खुद देखा है कि वहाँ पर कुछ बंदे कुछ अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, लेकिन वो ओवर स्मार्ट नहीं है। आप अगर इतने दिन में अगर पढ़ कर कुछ नहीं उखाड़ पाए तो अभी क्या उखाड़ पाओगे, ठीक है ना। तो इतने दिन में देखिए 1 से 2 घंटे में आप क्या उखड़ पाओगे। आप उन लोग को देखते हो कि हाँ ये बंदा ये मतलब इतना कर पा रहा है, तो इसके मतलब पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, इसके पास बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी है कि ये कुछ अच्छा कर पाएगा, इसके नोट्स में बहुत ही ज़्यादा मतलब वो बात लिखी है जो मेरे में नहीं थी। नहीं नहीं, ये आप में है, आपके पास है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अनदर पर्सन, मैंने बताया सेम वर्ड जो मैंने बताया कि आप अपने को खुद से मतलब किसी दूसरे से कंपेयर मत करो। आप क्या हो आपको पता है, ठीक है, आप क्या हो आपको पता है, आप दूसरे से कंपेयर मत करो। मैं पूरे के पूरे सेट लेके आता हूँ फ्रेंड्स, आपने अगर नहीं देखा तो वीडियो को प्लेलिस्ट में आप एयरफोर्स का देख सकते हो जाके, मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही आपको अच्छे लगेंगे। मैंने मैथ्स का बोला था फ्रेंड्स, तो मैथ्स के मुझे कुछ क्वेश्चंस पेपर नहीं मिले, तो मैं इसलिए मैथ्स का मैं नहीं करा पा रहा हूँ। तो जैसे ही क्वेश्चंस पेपर जैसे आते हैं मैं सारे के सारे अपलोड करते रहूँगा। तो एयरफोर्स के लिए मैं लगा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही लगाव है, मुझे भी एयरफोर्स में, ठीक है ना। तो बच्चों को मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे बच्चे क्लियर कर जाएंगे एयरफोर्स एग्ज़ाम। 7 डेज स्ट्रेटजी फॉर योर एग्ज़ाम, तो ये 7 दिन की स्ट्रेटजी है सारे बच्चों के लिए। तो देखिए मैं बता दूँ कि किन किन टॉपिक में आपको कितना मिनिमम स्कोर करना है। इंग्लिश की बात करें तो मिनिमम आपको 10 मार्क्स स्कोर करना है। देखिए अगर आपको क्वालिफाई करना है तो अगर आपको मिनिमम 10 से 12 मार्क्स, ठीक है ना, स्कोर करना होगा मिनिमम, ठीक है। मैंने 12 क्यों बोले कि देखिए इसमें ग्रामर होंगे और आपके वोकेबुलरी होंगे। वोकेबुलरी में मैंने बताया कि आपको जैसे कि 1 वर्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, और भी 1 वर्ड के तो कुछ 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं वोकेबुलरी से। देखिए फर्स्ट कंप्लीट ग्रामर पोर्शन, ग्रामर के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। ग्रामर के क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है,
ठीक है ना। देखिए पहले इजी वाला टॉपिक देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट कंप्लीट ग्रामर पोर्शन बिकॉज इट इज़ ईजियर देन वोकेबलरी। सही पता है आपको ग्रामर क्या होता है, वोकेबलरी तो ओबियसली ईजी होता है। अगर आपने पहले अगर आपका इंग्लिश है सब्जेक्ट इंग्लिश था तो आपको ओबियसली आपको ग्रामर बहुत ही ईजी लगेगा। मैंने देखिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का जो वीडियो डाला है, अगर आपके इस मेरे चैनल के अलावा अगर कोई वीडियो अगर कोई भी चैनल अगर देता है तो मुझे बताइएगा कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की इतनी बड़ी वीडियो, इतनी जानदार और शानदार वीडियो कोई और दे दे, ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर मुझे। तो देन थिंक अबाउट वॉकैब। तो अगर आपको ग्रामर में नहीं हो रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा वॉकैब में, कम से कम प्रिपेयर करना होगा। एटलीस्ट देखिए आप जस्ट पहली बार जा रहे हो या आपने पहली बार दो तीन बार एग्जाम दे चुके हो तो आपको कम से कम ये माइंड में रखना है कि हाँ मुझे 15 से 16 मार्क्स प्रिपेयर करना है और उतना मैं कर लूँगा तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। देखिए अभी मैं बात करूँ जो भी इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग में से कैसे बचा जाए, जो क्वेश्चंस आपको थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं उस पार्ट को लीव करो, उसको छोड़ दो। मतलब जो पार्ट आपको लग रहा है थोड़ा टफ लग रहा है तो उस पार्ट को छूना नहीं है मुझे और मैं उसको स्किप कर दूंगा। देखिए अब ये नहीं बता जाकर वहाँ पे मत बोलिएगा कि सर ने बताया तो स्किप करना है, मतलब बंदे ये क्वेश्चन को स्किप करना है, मतलब हाँ कर दो स्किप, ऐसा नहीं। देखिए वहाँ पे बताया क्या क्या है, लीव जो डिफिकल्ट पार्ट है, आपसे भी नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, उसमें मतलब लगना ही नहीं है, जाना ही नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्क आपका मतलब जो है ना तो वो आपका मार्क्स डिसाइड करती है, ठीक है। मस्ट सॉल्व 4 से 5 पैसेज कम से कम आपके एग्ज़ाम से पहले, ठीक है ना, वो आपको कॉम्प्रहेंशन में बहुत ही मदद करती है, ठीक है ना। कॉम्प्रहेंशन आपका क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है, पैसेज आपके क्लियर हैं तो आप आराम से उसको कॉम्प्रहेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हुई इंग्लिश की, अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। देखिए रेगा ये बहुत ही मेन सब्जेक्ट है आपके एक्स एंड वाई ग्रुप का, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये बहुत ही मेन टॉपिक है इसमें। अगर आप ये तो आपका दृढ़ शक्ति है, मतलब एक्स एंड वाई ग्रुप का एयरफोर्स का, अगर आपने ये कर लिया तो बहुत ही ज़्यादा आप क्या कहते हैं कि कैपेबल हो आप एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो देखिए आपके टोटल 30 मार्क्स होते हैं इसके रेगा के, अगर आपके इसमें मिनिमम कितने स्कोरिंग हैं 15, तो 15 तो आप इसमें से कम मैं बता दूँ टोटल आप कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। मानता हूँ कुछ रीजनिंग के अगर क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन हर एक को स्किप मत करिए। जितना आपने प्रिपेयर किया है कि आज मैंने इतना किया है, कल मैं उससे मेरा जो दोस्त है उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, तो ठीक है आपने जितना किया है उसके ऊपर पूरा डिपेंडेबल रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर रीजनिंग, डोंट नीड टू रीड कॉन्सेप्ट राइट नाउ। अभी देखिए कॉन्सेप्ट को समझने जाओगे ना तो 10 से 12 दिन लगेंगे, और आपके पास है कितने दिन, 7 दिन, तो 7 दिन के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया, तो वीडियो को आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर रीजनिंग, डोंट नीड टू रीड कॉन्सेप्ट राइट नाउ। आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझना, आपको बस खाली प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते रहना है। जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन मिलते हैं, सिलॉक्स के क्वेश्चन मिलते हैं, जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मिलते हैं, सारे के सारे लगा लीजिए, ठीक है, जो भी मिले जहाँ से मिले जितने हैं समझ लीजिए, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ हो जाएगा। क्योंकि रेगा का जो मेन पार्ट है ये देखिए 30 मार्क्स का होता है, टोटल मार्क्स कितने हैं बहुत ही जब देखिए टोटल मार्क्स जो भी हो, लेकिन अभी ये बात आती है रेगा जो मेन पॉइंट है। देखिए इंग्लिश का होता है कितना 15 से 20 मार्क्स होता है इसका टोटल, तो इससे देखिए पहले क्या बात होती है कि रेगा में जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके जो मेन एग्ज़ाम है उसको मतलब दिखाती है, दर्शाती है। अगर आपके इसके अच्छे मार्क्स हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें 7 से 8 प्रश्न तो आप बिना देखे आप कर सकते हो, बिना देखे इसमें 7 से 8 प्रश्न कर सकते हो। रिवाइज ओनली फॉर्मूला, देखिए क्वेश्चन क्या है रहेगा को, देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 से 15 पर टॉपिक, फॉर्मूला याद रखिएगा, कुछ कुछ फॉर्मूला होते हैं इसके प्रैक्टिस सेट के, तो उसके फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। जीके जीएस करंट अफेयर्स के 7 से 8 प्रश्न तो इसमें से आएंगे, जिसमें से आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न आप कर पाओगे आराम से, क्योंकि जीके जीएस और करंट अफेयर्स आपको डेली टू डेली करंट अफेयर्स मिलता होगा, बहुत सारे यूट्यूब्स में हैं तो डेली डेली करंट अफेयर्स मिलते होंगे। याद रहे आपको 6 महीने जो लास्ट बिफोर 6 मंथ का आपको करंट अफेयर्स को पूरा हाईलाइट करके जाना है। देखिए उसमें देखिए जितने भी करंट अफेयर्स हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड, पर्सनैलिटी से रिलेटेड, सारे के सारे वीडियो हमारे चैनल पर हैं, आप विजिट करके देख सकते हो।
ऑल स्टेट कैपिटल करेंसी लैंग्वेज सीएम एंड गवर्नर डिफेंस अफेयर्स। तो मैंने जितने भी राज्य राजधानी करेंसी जो भी है मुद्रा है आपकी कैपिटल राज्य राजधानी और जो भाषा है और जो मुख्यमंत्री राज्यपाल सारे के सारे सभी का एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो आपने नहीं देखा तो उसको विजिट करके देख सकते हो। कुछ अलग बातें जैसे सम इम्पोर्टेंट कंट्री की करेंसी, जैसे डिफरेंट कंट्री के करेंसी भी हैं और कैपिटल है और मोस्टली इंडिया के नेबर कंट्री को याद रखिएगा, जो पड़ोसी देश हैं उनके जरूर याद करिए, क्योंकि ये जो भारत के पड़ोसी देशों में से क्या क्या समिट होने वाले हैं, किन किन देशों के बीच मतलब समझौता होने वाला है, बाउंड्री लाइन देखिए कैसी है, उसको बीच में वो क्वेश्चन बहुत ही पुट अप होते हैं। बाउंड्री शेयर कंट्रीज विद नेम इंडियन नेम एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ। देखिए आपकी जो सीमा है, सीमा पर मतलब कितने देश हैं, कितने मतलब भारत को भारत के नाम से मिलते जुलते हैं और कितने लेंथ के ऑर्डर ऑफ लेंथ के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज इन ए ईयर, मैंने कल ना परसों इसका इंपॉर्टेंट डेज जो है ना भारत का वन ईयर का अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके विजिट करके देख सकते हो। देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स फिजिक्स की, तो फिजिक्स में देखिए नो योर स्ट्रेंथ। अभी मैं फिजिक्स का जो मेन मुद्दा होता है फिजिक्स जो टफ हो लगता है बहुत ही बच्चों को, क्योंकि मैथ अगर मैथ्स और फिजिक्स आपका स्ट्रांग है ना तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स क्लियर हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो फिजिक्स क्या है, आप अपने स्ट्रेंथ को समझिए, स्ट्रेंथ को समझिए कि आप कितना कर सकते हो, कितना मतलब आप आउटपुट अपना दे सकते हो। देखिए सॉरी इनपुट आपने कितना दिया है अपने एग्जाम में, जितना अच्छा इनपुट होगा उतना ही अच्छा आउटपुट होता है आपके। मैं बता दूं, मैं कोडिंग करता हूं, मैं एमसीए कर रहा हूं, तो मतलब जो भी मैं कोडिंग कर रहा हूं तो उससे क्या हो रहा है कि जितने भी मैं इनपुट देता हूं, जितने भी अच्छे करेक्ट इनपुट देता हूं, उसका एक एग्जैक्टली एक आउटपुट निकलता है। तो आउटपुट निकलेगा, ओब्वियसली आउटपुट उसका निकलेगा, तो आउटपुट क्या निकलेगा, वो अच्छा ही रिजल्ट निकलेगा। तो जितना मेहनत कर रहे हो अभी कर रहे हो, लेकिन अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत बनना, इतना ही बता दूं मैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत बनना। मैं आपको डिमोटिवेट करने की कोई बात नहीं कर रहा हूं। देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे तो आप जो पहले का जो क्लियर है वो आप गलती से भूल मत जाइएगा। आप अपने स्ट्रेंथ को समझिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या कहलाता है, आप कितना कर सकते हो, ठीक है ना। फिर टारगेट करना है आपको मिनिमम स्कोर दैट यू कैन स्कोर 100% मोर देन 10-12 नंबर्स। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं मिनिमम स्कोर, आदमी क्या बोलता है, एक छोटी सी कहावत होगी कि आदमी लिख से लाख होता है, ठीक है। बात समझ में आई, बहुत से बारे बच्चों को समझ में आ गई होगी, आदमी का जो कैरियर है वो लीख से लाख होता है, लीख से लाख होता है। ये मेरी माँ कहती है कि कभी भी नहीं बड़ा मत सोचो, पहले स्टार्टिंग करो छोटे से, फिर वो बड़ा होगा, मेहनत करोगे होगा, ऐसे आप शॉर्टकट मारोगे तो कभी नहीं होगा। अगर जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं तो वो गलती से गलती करेंगे कि तुक्का मारेंगे, लेकिन तुक्का मत मारिए, जितना आपको आता है उतना करिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपके माइनस में भी चले जा सकते हैं मार्क्स, ठीक है। देन टारगेट मिनिमम स्कोर दैट यू कैन स्कोर 100% मोर देन 10-12 नंबर। आपको मिनिमम स्कोर करना है, जितना स्कोर करने के लिए 10-12 नंबर चाहिए आपको, और आप आराम से इसको फिजिक्स में कर सकते हो। फिजिक्स में क्वेश्चंस मात्रक के पूछेंगे, मात्रक का अपलोड कर दिया गया है, ठीक है ना। और भी जितने फॉर्मूलाज हैं फिजिक्स के फॉर्मूलाज, जो न्यूटन्स लॉ के फॉर्मूला होते हैं बहुत सारे, रेलवे ग्रुप डी में मैंने बताया है, आपने अगर नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेन मुद्दा है मैथमेटिक्स का, जिसमें आपको 27 टॉपिक मिलेंगे। 27 टॉपिक में से कम अगर आपने अभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरे इतने टॉपिक क्लियर हैं, तो मैं बताऊंगा कि आप सजेस्ट करूंगा कि कितने टॉपिक आपको और पढ़ने होंगे। देखिए मैं एक सिंपल सी बात बता दूं कि अभी जो बच्चा बंदा 20-22 टॉपिक क्लियर कर रखा है तो वो सोचेगा कि और भी पाँच कर लूँ, और भी पाँच कर लूँ, और भी मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन नहीं। आप अगर 20 भी किए हो ना, आप फेल हो, आपने कभी फेल होके देखा है, फेलर के पास बैठे हो, नहीं। लेकिन फेलर होना कोई भी बुरी बात नहीं है, आदमी जब तक फेल नहीं होता वो अपनी अच्छाई और सच्चाइयों को के बारे में जान नहीं सकता, ठीक है। आप अगर जब तक फेल नहीं होते आपके अपने अंदर की भावनाओं को, अपनी जो जागृति है उसको उत्पन्न नहीं कर पाओगे। फेल होकर देखिए मज़ा आएगा, ये नहीं कि मुझे फेल हो गया, मैं आपको मतलब लाइफ में बहुत ही बड़ी गलती कर दी मैंने, मैं फेल नहीं होने वाला था, लेकिन नहीं। आप वहाँ पर जब देखिए क्या होता है कि जब भी गलती करो ना उसका सबक मिलता है, हमें सबक मिल जाता है, ठीक है। तो सबक सीखने के लिए थोड़ा सा गलती करना जरूर चाहिए, ठीक है। रिवाइज देखिए मैथमेटिक में 27 टॉपिक है, 27 टॉपिक में कम से कम आप 20 जो भी किए हो, जिन्होंने किया है 20, उसको आप पूरा का पूरा रगड़िए। प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट करिए,
सभी का आंसर दे दूंगा, वो भी डेफिनेशन के साथ, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो। रिवाइज ऑल द टॉपिक्स दैट यू हैव ऑलरेडी रीड, डोंट स्टार्ट न्यू टॉपिक। याद रहे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आपने जो भी टॉपिक को रिवाइज किया है उसको रिवाइज मारते रहिए, जितना भी किया है। अभी जो छोड़ दीजिए, 7 दिन है आपके पास, 7 दिन में उसको आप स्किप कर दीजिए। याद रहे 7 दिन है, जितने भी आपने किया है कम से कम 15 से 20 टॉपिक किए होंगे, कम से कम 15 से 20 टॉपिक। इन टॉपिकों को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, इसको रिवाइज मारते रहिए, रिवाइज मारते रहिए। आप 7 टॉपिक में से देखिए, जो 7 टॉपिक है उसमें से शायद क्वेश्चन आए ही ना, ठीक है? मैं, मेरे बात समझ में आ गया? जो भी क्वेश्चन में मैंने बताया 7 टॉपिक, वो 7 टॉपिक में क्वेश्चन आए ही ना। आपके जो 20 टॉपिक है उससे क्वेश्चन आ जाए तो जितने, और ये भी बात हो सकती है 7 टॉपिक में से जो है उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन गलती बच्चे करते हैं। तो क्या बताऊँ मैं कि अभी देखिए, जितना भी आपने किया है अगर आप उसको अगर छोड़ के जाते हो 7 टॉपिक पर, तो आपका जो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आपने जब 7 जो है टॉपिक उसको टच करने गए और जो 20 टॉपिक है उसको तो गंवा दिए, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया मुझे मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि 7 टॉपिक जो भी जो रिसेंट के हैं वो अभी आपके दिमाग में रह जाएंगे, लेकिन जो 20 टॉपिक है वो आपका धीरे धीरे करके दिमाग से उड़ जाएंगे। तो उड़ाना नहीं है, मेहनत करना है, ठीक है? प्रैक्टिस 4 से 5 क्वेश्चन पर टॉपिक एंड पर टाइप। देखिए 4 से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं डेली, डेली के डेली, हर टॉपिक से, हर टाइप के, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वलिटी इनइक्वलिटीज हैं, आपके एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस हो जाएं, ठीक है ना? एवरेज इक्वेशन है, परसेंटेज क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वेशन है, ठीक है ना? और जितने भी क्वेश्चंस मैथ्स के हैं, सारे के सारे धीरे धीरे करके एक टॉपिक करके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन करिए। टाइम तो आराम से है, आपके पास 7 दिन है तो आराम से मैथ्स में थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है? इंग्लिश में ग्रामर कर लीजिए पूरा का पूरा अच्छे से, ठीक है? और फिजिक्स में जितने भी मात्रक्स होते हैं और जितने फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला जितने भी हैं उसको रट लीजिए, जितने फॉर्मूला, क्योंकि अभी टाइम नहीं है आपके पास कोई और करने के लिए, क्योंकि मैथ्स बहुत टाइम लेता है, खींचता है, और कम से कम इसमें आपको कम से कम इसमें भी मार्क्स उठाने होते हैं, ठीक है? रिवाइज ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इन ब्रीफ एंड मेक अ शॉर्ट नोट ऑन इट। देखिए जितने भी फार्मूला है उसके एक छोटा सा ब्रीफ, सॉरी डेफिनेशन के साथ उसका नोट बना लीजिए। नोट अगर आपने नहीं बनाया तो देखिएगा, मेरे चैनल में एक वीडियो है जो फार्मूलाज के ऊपर है, अगर नहीं देखा तो आपने देख सकते हो, ठीक है ना? तो फार्मूला का एक ब्रीफ नोट बना लीजिए जो बहुत ही हेल्प होगा आपके लिए, ठीक है? नीचे आते हैं फ्रेंड्स। देखिए अब लास्ट जो एंड पॉइंट में एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर ड्यूरिंग एग्ज़ाम। कुछ बातों को ध्यान देना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। पहला जो टॉपिक है, नेगेटिव मार्किंग से बचें। सिंपल सा बात है, नेगेटिव जो मार्किंग है उससे बचें, क्योंकि बहुत ही बच्चे गलती क्या करते हैं कि मुझे तो आता है, मैं क्लियर हूँ। हाँ ठीक है, आपको अगर क्लियर है तो आप जो दूसरे बंदे से है आपका थोड़ा प्लस पॉइंट है। अब इस प्लस पॉइंट को आप ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना बनाएं, जितना है आप उसमें सहमत रहें, सीमित रहें, ताकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग से बचें, स्मार्ट वर्क करें। यहाँ पर गलती मत करें, नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि आप छोटी सी जो आपको मन में डाउट है कि ये मुझे आ रहा है लेकिन इसका आंसर होगा क्या, क्या ये होगा, सी होगा या बी होगा, ये क्या करते हैं बच्चे कि उस सी लगा के आता है लेकिन आंसर क्या होता है, बी। तो इस ऑप्शंस को मिस गाइज होते हैं, मिस कैरेज होते हैं बच्चे, मतलब गलती कर लेते हैं। तो स्मार्ट वर्क करें, अगर स्मार्ट वर्क है आपके पास, ट्रिक पता है आपको, जितने भी ज्योग्राफीज़ के ट्रिक हैं या जितने भी करंट अफेयर्स के ट्रिक हैं, अगर आपको नहीं मिले तो मेरे चैनल में है, विजिट करके देख सकते हो। तो स्मार्ट वर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करें, जितना बनता है उतना पहले ख़त्म करो, ठीक है ना? जितना बनता है उतना पहले ख़त्म करो, नेक्स्ट में नहीं जाना है, पहले जितना बनता है उतना ख़त्म करो, ठीक है? नेक्स्ट में जाएंगे, बाद में जाएंगे, अगर नहीं होता है तो छोड़ो, उसको छोड़ो, लेकिन जितना हो रहा है अभी वो पूरा का पूरा ख़त्म करो। क्वेश्चन जो नहीं बन रहा है तुरंत स्किप करो, एंड यू कैन ऑल्सो स्टेड, मतलब उसको आप दूर भागो, जो अगर आपसे नहीं बन रहा है, अगर आप उसको बार बार देखोगे आपका टाइम वेस्ट होगा, आप दूसरे क्वेश्चन पे भी मतलब फोकस नहीं कर पाओगे, तो इसलिए जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ो, उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में आना है। अगर आपके पास 70 में से, देखिए 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 70 में से अगर 50 से 55 जो क्वेश्चन है अगर आपने एक्यूरेसी के साथ नहीं किया, कर लिया तो मतलब सॉरी एक्यूरेसी के साथ कर लिया तो अब ज़्यादा गलत मत करना, 50 से 55 इनफ है, आपको 50 से 55 आपको जो भी नौकरी दिला सकती है एयरफोर्स में, तो गलती मत करिएगा। जो 50 से 55 है, अब ये 50 से 55 के बाद अगर आप सोचेंगे 60 से 65 होता तो कितना मज़ा आता। मेरा दोस्त 60 से 65 करके आया, उसका सिलेक्शन पक्का, मेरा नहीं होगा। लेकिन आपने जो किया है 50 से 55 उसमें अगर आपने एक्यूरेसी दिखाई है
तो वो 60 से 65 वाला बहुत ही काम आएगा आपके लिए। वीडियो समझ में आ गया फ्रेंड्स, बस यही आपको समझाना था। देखिए अब लास्ट टाइम में बस एक छोटी सी बात बोलूँगा, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। सो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, और हमारे टीम की ओर से आपको बहुत 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 शुभकामनाएं फ्रेंड्स कि आपका एग्ज़ाम के लिए मैं पूरा मेहनत करूंगा और आप भी लगे रहिएगा एकदम जमकर। हम लोग इस बार एयरफोर्स को पार कर रहे हैं, ठीक है ना। नाउ दिस इज़ योर टर्न, मैंने बताया कि आप अब आपकी बारी है टू डू समथिंग एक्साइटिंग और ऑनरेबल, ठीक है ना, मतलब जो भारत देश के लिए गौरवान्वित करे और आपके लिए भी आपके फैमिली के लिए भी गौरवान्वित हो, और आप कुछ ऐसा करें जो देश दुनिया पूरा ध्यान रखे और याद रहे। आई विल वेट फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मैं आपके जो अच्छे परिणाम का वेट करूंगा। इसके लिए आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूं फ्रेंड्स, हमारा टीम जो है रेलवे क्रैकर्स, उसके लिए हमारा जो काम है हम पूरे के पूरे आपको सपोर्ट करने के लिए पूरा तत्पर रहेंगे। ऑलवेज ऑलवेज, देखिए ऑलवेज क्या होता है कि ऑलवेज हम लोग सपोर्ट करेंगे, ऑलवेज सपोर्ट्स यू। तो फ्रेंड्स एक स्माइली से आपका दिन शुभ करने के लिए मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जैसे ही जितने भी वीडियो आते हैं सारे के सारे वीडियो आपको सबसे पहले देने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।